वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगी केक प्रॉपर कैसे बेक करना है, ओटीजी में, माइक्रोवेव में और गैस पे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैस पे आपको ऐसे बड़ा वाला बर्तन रखना है, जो भी आपके पास है, कढ़ाई है तो आप कढ़ाई भी रख सकते हो। उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। ऐसा अगर आपके पास रिंग है जिसपे हम बर्तन रखते हैं, गरम वाला बर्तन रखते हैं, तो ऐसा रिंग है तो वो आप लीजिए। नहीं तो सिंपल गोल रिंग है, ऐसे रहता है गोल वाला, वो भी यूज किया तो भी चलेगा। उसको ऐसे रखना है। इसके ऊपर हमें ऐसा ढक्कन रखना है, ऐसे वाला भी ढक्कन रख सकते हो। ये वाला आपके पास नहीं है तो आप ऐसे जो थाली रहती है वो भी ऐसे आप इसके ऊपर रख सकते हो। ढक्कन रखने के बाद ये जो बर्तन है वो हमें गैस पे लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट प्रीहीट करना है। जब हम ये बर्तन है वो गैस पे प्रीहीट के लिए रखेंगे, तब तक हमें बैटर बनाना स्टार्ट करना है। जब तक हमारा बैटर रेडी होता है तब तक जो बर्तन है गैस पे वो भी अच्छे से प्रीहीट होता है। जब हमारा केक का बैटर जो है रेडी हो जाएगा, हम ऐसे टिन में उसे बैटर डालेंगे। 8 से 10 मिनट बाद बर्तन जो है प्रीहीट हो चुका होता है, और उसके बाद ये जो हमारा रेडी टिन रहता है केक का बैटर डालने के बाद, उसे हमें ये बर्तन में केयरफुली रखना है और फिर से उसके ऊपर ऐसे ढक्कन रखना है। अगर 1 kg का केक है तो उसके लिए हमें 30 से 35 मिनट लगते हैं, और 1/2 kg का केक है तो उसके लिए हमें 20 से 25 मिनट लगते हैं। केक का टिन बेकिंग के लिए बर्तन में रखने के बाद उसे हमें बार बार नहीं खोलना है। डायरेक्ट 20 मिनट बाद उसे खोल के बीच में टूथपिक डाल के हमें केक चेक करना है। अगर टूथपिक क्लीन निकल आती है तो वो केक हमारा रेडी है। बार बार उसको हर जगह ऐसे चाकू डाल के वगैरह नहीं देखना है। उससे क्या होता है, जब हम केक का स्लाइस करते हैं तो केक जो है टूटने के चांसेस रहते हैं। अब हम देखेंगे ओटीजी में केक कैसे बेक करना है। ये मेरा मॉर्फी रिचर्ड्स का 52 लीटर का ओटीजी है। इसके साथ ऐसा एक ब्लैक प्लेट आता है और ये ऐसा जाली आता है। केक का जो टीन है वो बेकिंग के लिए हमें ये जाली पे रखना है। ओटीजी के अंदर ये आप देख सकते हो ऐसे रैक है, 1, 2, 3, 4 दोनों साइड में ऐसे रैक्स है। ये जो जाली है वो हमें मिडल रैक पे यानी नीचे से सेकेंड रैक पे रखना है। आपके ओटीजी में जितने भी रैक है उसके मिडल में आप ये जाली रखो। और ये जो रहते हैं ये कॉइल्स रहता है ओटीजी का, ये जो है ये नीचे वाला कॉइल है और ऐसा ही सेम कॉइल ऊपर रहता है। ये जो है ये ऊपर वाले कॉइल्स है। ओटीजी में 3 बटन्स रहते हैं, ये है टेम्परेचर, फंक्शन और ये है टाइमर। प्रीहीट करते समय ये हमें दरवाजा, ओटीजी का दरवाजा बंद करके टेम्परेचर सेट करना है। केक के लिए हमें चाहिए 180। ये जो दोनों पॉइंट्स है उसके बीच में हमें ये नॉब ऐसे रखना है, ये बटन। ये हो गया हमारा टेम्परेचर सेट 180 डिग्री पे। उसके बाद है फंक्शंस। इसमें आपको अलग अलग फंक्शंस दिख रहे होंगे। इसमें जो ये सिंबल दिखता है बीच वाला फैन जैसा, ये फैन का है। इसके साइड में ओटीजी के फैन रहता है। ऊपर वाला जो स्टिक रहता है, लाइन दिख रहा है, वो है कॉइल का। ये अलग अलग जैसे भी हमें यूज करना है उसके हिसाब से ये फंक्शंस रहते हैं। ये दोनों कॉइल ऑन और बीच वाला फैन। केक के लिए हमें जो चाहिए वो नीचे वाली कॉइल ऑन विथ फैन, ये वाला फंक्शन हमें केक के लिए चाहिए। हम ये भी यूज कर सकते हैं केक के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बेटर है। मैं ये फंक्शन पे रख के केक बेक करती हूँ, तो मैं यहाँ फंक्शन सेट करती हूँ। तो केक के लिए मैंने ये फंक्शन सेट किया है। उसके बाद है टाइमर। हमें प्रीहीट करना है ओटीजी 10 मिनट के लिए। आपका अगर ओटीजी छोटा है, कम लीटर का है, तो आप 8 मिनट ही उसको प्रीहीट कीजिए। अगर बड़ा है तो 10 मिनट कीजिए। मेरा बड़ा है तो मैं इसे
10 मिनट पे प्रीहीट के लिए ये टाइम मैंने लगा दिया है। और ये दरवाजा हमें क्लोज करना है। ओटीजी जब प्रीहीट होता है उसके बाद ये जो बटन है वो बंद होता है, उसके बाद हमें ये दरवाजा खोलना है। और उस ये जो रैक है इसके ऊपर हमें बैटर फिल किया हुआ केक का टिन है वो रखना है। ओटीजी बड़ा है मतलब इसके ऊपर नीचे हम केक बेकिंग के लिए नहीं रख सकते हैं। ये जो जाली है इसके ऊपर आप कितने भी टिन रख सकते हो, जितने इस पे बैटर है उतने ही टिन आप रख सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे कभी भी नहीं रखना है। फिर से टेम्परेचर वही रहेगा, फंक्शन भी वही रहेगा और टाइमर हम सेट करेंगे। हाफ केजी केक है तो उसके लिए हम 20 से 25 मिनट सेट करेंगे और 1 केजी का केक है तो उसके लिए हम 30 से 35 मिनट टाइम सेट करेंगे ऐसे। उसके बाद अगर आप एक ही टीम रख रहे हो तो आप ऐसे सेंटर पे टीम रखिए। केक बेकिंग के लिए रखने के बाद अगर केक हाफ केजी है तो हमें उसे 15 मिनट बाद चेक करना है। अगर 1 केजी का है तो हमें उसे 20 से 25 मिनट बाद एक बार टूथपिक डाल के चेक करना है। मैं आपको माइक्रोवेव में कैसे केक बेक करना है वो ओरली बताती हूँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें कन्वेक्शन मोड होना जरूरी है, तभी आपका केक उसमें बेक होगा। माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे आपको रखना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर सेट करना है 180 डिग्री। टेम्परेचर सेट करने के बाद माइक्रोवेव हमें प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए, तो हमें 10 मिनट टाइम सेट करना है। 10 मिनट बाद वो माइक्रोवेव बंद हो जाएगा प्रीहीट होके। माइक्रोवेव प्रीहीट होने के बाद जो हमारा बैटर डाल के टिन रेडी हो जाएगा वो टिन हमें माइक्रोवेव में रखना है। माइक्रोवेव में रैक का ऑप्शन नहीं होता है, नीचे वाला जो प्लेट होता है उस पर ही हमें ये टिन रखना होता है, तो वहाँ ये रखना है। और फिर से हमें कन्वेक्शन मोड का बटन दबाना है, फिर से टेम्परेचर सेट करना है 180 डिग्री, फिर टाइम सेट करना है। 1 केजी के लिए लगेगा हमें 30 से 35 मिनट और हाफ केजी के लिए लगेगा 20 से 25 मिनट। बेकिंग का कोई भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं रहता है, 5 से 7-8 मिनट यहाँ वहाँ हो सकते हैं। अगर आपका माइक्रोवेव छोटा है तो उसे आप 8 मिनट ही प्रीहीट कीजिए। माइक्रोवेव में जब हम केक बेक करते हैं तो उसे ऊपर से डोम आता है, केक को क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, उसे हमें कट करके बाद में उसमें हमें आइसिंग करना पड़ता है। ये वीडियो देखने के बाद बेकिंग के बारे में फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।